definition of hospital and classification of hospital. Today I am discussing with you functions of hospital. Now there are five main functions of hospital: patient care, public health, medical research and educational training, and the last one is counseling and patient advice. Now first we will discuss the function patient care. Patient care का जो meaning है वहाँ पर मैंने लिखा है it is a primary function. कोई भी hospital हो उसका सबसे पहला function है कि patient की care लेना है. अब patient की care किस तरीके से लेगा? वो लेगा, diagnosis करेगा, प्रोफाइलेक्सिस करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और इससे कम्युनिटी की हेल्थ जो है वो अपग्रेड हो जाएगी. अब डायग्नोसिस का मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले डायग्नोसिस मतलब क्या? पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास में, अपने सिम्टम्स बताता है, उसके सिम्टम्स को एनालाइज करके डॉक्टर डायग्नोस करता है कि पेशेंट को क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेडिसिन देता है और देने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है. वहाँ पे एक और वर्ड लिखा है प्रोफाइलेक्सिस. प्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग ये होता है कि डिजीज हुआ नहीं है, होने के पहले जो हम प्रिकॉशन लेते हैं ताकि वो डिजीज उनको ना हो उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस. ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस का अभी एक एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे. कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं कि हमको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है और कहीं पर भी मतलब टच नहीं करना है, सब हाइजीन मेंटेन करना है. ये सब चीज जो है प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आएगी. और ट्रीटमेंट आप सबको समझता ही है कि डायग्नोसिस होने के बाद, मेडिकेशन देने के बाद जो ट्रीटमेंट होगा मीन्स ट्रीटमेंट. तो सबसे पहला फंक्शन हमें क्या देखा? प्राइमरी फंक्शन हमें क्या देखा? पेशेंट की केयर लेना. और ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है टू सोशल वेलबींग. इसी से हम देखने वाले कि टोटल सोशल वेलबींग जो है वो बढ़िया हो जाएगा, पेशेंट की केयर हो जाएगी. नाउ द सेकंड वन इज पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट, देयर इज सेकंड फंक्शन इज पब्लिक हेल्थ. दिस इज दी और दीज आर दी एक्टिविटीज फॉर पब्लिक. पब्लिक के लिए जो एक्टिविटीज हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करता है ताकि पब्लिक का फायदा हो, पब्लिक को कुछ उससे कुछ बेनिफिट मिले. तो उसमें हम ये चार बातें देखने वाले, फोर पॉइंट्स हमें देखने वाले हैं. पहला है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. आप सबको समझता है इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन. जैसे कि पोलियो की वैक्सीन, पोलियो के ड्रॉप्स छोटे बच्चों को दिए जाते हैं. नाउ ब्लड डोनेशन प्रोग्राम. ब्लड डोनेट करने से जो नीडी पीपल है उनको ब्लड वहां पर अरेंज किया जा सकता है. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन. जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस का बढ़ाकर उनको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है. नाउ द लास्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन, एडवाइस, गाइडेंस. ऑल दिस प्रोग्राम्स आर वेरी वेल टेकन बाय द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स व्हिच वाज रन बाय हॉस्पिटल. नाउ द थर्ड वन इज मेडिकल रिसर्च. एज द नेम इंडिकेट इटसेल्फ, मेडिकल रिसर्च. फिर से वापस से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पर हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है तो उसकी मेडिसिन, उसकी वैक्सीन आई नहीं है. बहुत सारी मेडिसिन, नई नई मेडिसिन ट्राई की जा रही है कि किस तरीके से उस डिजीज का ट्रीटमेंट हो सके और उसके बाद जो भी इलाज है वो अच्छे से हो सके, पेशेंट को उसका जो भी तकलीफ हो रही है या जो भी ट्रीटमेंट उसको चाहिए वो उसको मिल सके. तो मेडिकल रिसर्च भी हॉस्पिटल का थर्ड फंक्शन है जिसमें न्यू एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर डेवलप. बार बार अच्छे अच्छे मेथड डेवलप किए जाते हैं जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो और आसान हो जाए और पेशेंट के लिए तकलीफ कम हो जाए. नाउ सेकंड इसमें ही देखेंगे न्यू ड्रग डिस्कवरी टेक्निक्स. नई नई ड्रग्स कैसे इजाद की जाए, कैसे उसका मेंशन किया जाए कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है, वेरियस डिजीज है जिसमें अभी तक दवाएं नहीं बनी है, मेडिसिन नहीं बनी है, तो उसमें हमको हेल्प हो सके. तो सिर्फ ये जो रिसर्च है न्यू ड्रग डिस्कवरी तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है. वहां पर आगे लैब में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को भी डेवलप किया जा रहा है. ठीक है, तो ये हमने अभी देखा मेडिकल रिसर्च. उसमें हमने दो एस्पेक्ट डिस्कस किए, एक तो न्यू ड्रग डिस्कवरी के बारे में देखा और वेरियस लैब डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में भी हमने पढ़ा. ठीक है, नाउ द फोर्थ फंक्शन इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसको भी हम दो भाग इसमें डिवाइड करने वाले, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं. जैसे कि अभी यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग लिखा है. एजुकेशन से मीनिंग आपको ध्यान में आ गया होगा कि कुछ तो भी सिखाया जाएगा. सिखाया किसको जाएगा? ट्रेनिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सेस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट. आप सबको पता होगा कि अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, कोई MBBS करता है, BAMS करता है, BDS करता है, उसको इंटर्नशिप करनी होती है.
में फील्ड। आप सब भी फार्मासिस्ट बनने वाले हो, फार्मासिस्ट बनने के 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको भी एक 3 महीने का या 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये सब ट्रेनिंग के अंदर आता है। हॉस्पिटल में भी इस तरीके की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ये सब फंक्शन किसमें आ गया, एजुकेशनल ट्रेनिंग आया। नाउ द सेकंड इज ऑल्सो टू जनरल पब्लिक बाय लेक्चर। अभी ट्रेनिंग मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिस यहीं तक लिमिटेड नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग और भी बढ़ा दी। किसके लिए? जनरल पब्लिक को। जैसे कि जनरल पब्लिक है, उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया, कोई लेक्चर उनके लिए अरेंज कर दिया, जिससे बहुत सारे डिजीज के बारे में वो मैसेज परकुलेट कर सके कॉमन पीपल्स को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी की, अगर आप एक एड देखते हैं टीवी में, तो वहां पर बोलते हैं वो एड में कि भाई 15 दिन से ज्यादा अगर खांसी आ रही है तो उसको जांच करा लो। ये कैसे क्या डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, लेक्चर के जरिए बताया कि आप इस तरीके से मैसेज परकुलेट करके लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस। ये बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिग हॉस्पिटल में अपनाया जा रहा है, वहां पे इम्प्लीमेंट ज्यादा किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स रहते हैं, फार्मासिस्ट उनको काउंसलिंग करता है। फार्मासिस्ट डू काउंसलिंग, किसकी काउंसलिंग करता है? पेशेंट्स की। किस बारे में मेंशन कर रहा है काउंसलिंग, मतलब उनको किस बारे में बताएगा? अबाउट द सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग डिजीज और ड्यूरिंग पैंडेमिक्स। डिफरेंट डिजीज में किस तरीके की जो सेफ और रैशनल तरीके से मेडिसिन का यूज कैसे किया जा रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, दवाई खाना खाने के पहले खाना है या खाना खाने के बाद खाना है, या उस दवाई के बाद हमको कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी है या नहीं, ये ध्यान में रखना है, ये सारी बातें हम इसमें उनको काउंसलिंग करके बताते हैं। और ये हमारा हुआ लास्ट फंक्शन, काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस। छोटा सा रिवाइज देख लेते हैं। आज हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा? फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। उसमें हमने क्या पढ़ा? पहला फंक्शन पढ़ा पेशेंट केयर, जो एक प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, पेशेंट की केयर करना, उसका ध्यान कैसे रखना है, कैसे उसको अच्छा रखना है, वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ, जिसमें हमने देखा वेरियस प्रोग्राम्स फॉर दी पब्लिक। थर्ड इज मेडिकल रिसर्च, रिसर्च ओरिएंटेड, न्यू ड्रग डिलीवरी, न्यू ड्रग डिस्कवरी, लैब डायग्नोस्टिक एड्स, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर है एजुकेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशनल ट्रेनिंग मतलब ट्रेन करना है किसको, मेडिकल स्टूडेंट्स और जो भी पब्लिक है जनरल उनको। नाउ काउंसलिंग पेशेंट एडवाइस, अभी हमने जस्ट देखा था इसको, पेशेंट जो है काउंसलिंग की जाएंगी पेशेंट्स की फार्मासिस्ट के द्वारा, और बताया जाएगा उनको सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग अ डिजीज। थैंक यू।